सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको मैंने बनाकर बता दिया था। तो बहुत से स्टूडेंट का डाउट था उस समय कि भैया एक बिहार इंजीनियरिंग के अलावा कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताइए जिसमें 100% प्लेसमेंट देती है। तो इसके बारे में एक वीडियो आपको मैंने बनाकर बता दिया था कि एक ऐसा कॉलेज है जो कि 100% आपको प्लेसमेंट देती है, और यदि आप लोग को यदि प्लेसमेंट नहीं भी होती है फ्रेंड, तो 100% वो जो कि फीस जो होती है रिफंड कर दी जाती है। तो इसके बारे में आपको मैं बता दिया था। बहुत से स्टूडेंट का डाउट था कि भैया उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमें अच्छे से बता दीजिए कि कैसे कितना पर एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको फंक्शनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना है तो ये जो कि प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 12th में PCM सब्जेक्ट के साथ पास होना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप लिए हैं और उसमें भी तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपको 45% आपको यदि मार्क्स आया है तो फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं फंक्शनल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए, जो कि आपको कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कॉलेज है। वहां पर आप जाके कर सकते हैं कि 100% जो कि ये जो है प्लेसमेंट दे देती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि इसमें प्लेसमेंट नहीं होने पर 100% ये जो फी जो है आपको जब एग्रीमेंट होगा उसी समय लिखा लिया जाता है कि यदि प्लेसमेंट नहीं होती है तो 100% ये जो कि फी जो कि रिफंड कर दी जाती है, तो उस काबिल आपको बना देता है। आपको मैं बता दूं इसके बारे में और, तो फ्रेंड्स आपको सेकेंड ईयर में ही आप जैसी कंप्यूटर साइंस में आप एडमिशन ले लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको सेकेंड ईयर में आपको स्कॉलरशिप के रूप में आपको इंटर्नशिप के रूप में आपको 25,000 के करीब आपको स्कॉलरशिप दे दिए जाते हैं, एंड थर्ड ईयर में आपको इंटर्नशिप के रूप में आपको 50,000 मिल जाती है। इसी तरह आप फाइनल ईयर में जाते जाते फ्रेंड्स आपको 75,000 के अप्रोक्सीमेट आपको कॉलेज में ही दे दी जाती है, तो इस काबिल आपको उस कॉलेज में बना दिया जाता है। तो आपको 100% उसमें कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसमें 100% स्कॉलरशिप होने के कारण इसको फी को कम कर दिया गया है, जो कि ट्यूशन फी पहले 14 लाख के करीब था तो अब यहाँ पर आपको 10 लाख के करीब आप लोग को ट्यूशन फीस देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपको 100% प्लेसमेंट ग्रांटेड है और ये सही बात है, और 100% फी को रिफंड कर दिया जाता है। तो आप जब एग्रीमेंट करवाइएगा उस समय आपको सारा चीज़ें बातें बताए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में आपको लगभग 3,50,000 के करीब आपको ट्यूशन फी ले लिए जाते हैं, सेकेंड ईयर में 2,30,000 रुपये लिए जाते हैं, थर्ड ईयर में आपको 2,20,000 रुपये लिए जाते हैं, और फाइनल ईयर में आपको 1,93,000 लिए जाते हैं। तो टोटल अभी जो कि यहां पर देख सकते हैं 9,93,000 रुपये आपको लगेंगे, जो कि स्कॉलरशिप 100% है, और ये जो कि आपको प्लेसमेंट नहीं देने के बाद फ्रेंड्स आपको वहां पर सारा चीज़ें बता दिया जाएगा, और जिसमें 100% आपको फीस को रिफंड भी कर दिया जाते हैं यदि आप लोग को प्लेसमेंट नहीं होती है तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्लेसमेंट के बात करूँ तो फ्रेंड्स 3,000 से प्लस ज़्यादा स्टूडेंट को प्लेसमेंट ऑफर पिछले 2 साल में दिए गए हैं। 800 से ज़्यादा हायरिंग जो कंपनी है आपको प्लेसमेंट के लिए ऑफर आते रहती है ऑन कैंपस। उसके बाद और बात करें फ्रेंड्स तो 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर टेक कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, और यहाँ पर हायर पैकेज की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 85 लाख पर एनम गया है, और इसका एवरेज पैकेज की बात करूँ फ्रेंड्स तो 12 लाख पर एनम गया है। वहीं पर मैं टॉप कंपनीज के बारे में बात करता हूं फ्रेंड्स, तो यहां पर गूगल, पेटीएम, स्विगी, मोटोरोला, मेसो जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हायर करने के लिए यहां के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूं इसमें एडमिशन लेने के लिए कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो वहां पर आप जाकर सारा चीज़ें जो भी आपका डाउट है जो भी आपका क्वायरी है वहां से आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स जो बीटेक की आपको जो डिग्री मिलेगी अस्टारी यूनिवर्सिटी की तरफ से UGC अप्रूव्ड, जो कि फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है और उसका प्रोग्राम चलता है, तो इस तरह से आप इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।